नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह हम घर में हलवाई जैसा पनीर बना सकते हैं। और वैसे भी क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हर जगह लॉकडाउन चल रहा है और हमें बाहर जाके फ्रेश पनीर भी खरीदना बहुत ही मुश्किल है, और क्यों ना हम घर में ही फ्रेश पनीर बनाएं और बेफिक्र होकर खाएं। तो आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसा टिप्स भी शेयर करूँगा जिससे कि आपका पनीर बहुत ही सॉफ्ट बने और परफेक्ट शेप भी रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम होममेड पनीर। हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि दूध जले ना। तो मैं यहाँ पनीर बनाने के लिए 3 लीटर दूध यूज़ कर रहा हूँ और मैं फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको पनीर की क्वांटिटी कम मिलेगी। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। बॉईल करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप गैस का फ्लेम हमेशा लो से मीडियम रखिएगा, कभी भी हमें हाई फ्लेम में नहीं दूध को बॉईल करना है। फिर बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि दूध जले ना नीचे से। जब दूध उबलना शुरू हो जाए तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। चलिए देखते हैं दूध को फाड़ने का प्रोसेस। तो मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूँ, टिप नंबर 1। जब भी हम दूध फाड़ने के लिए विनेगर या लेमन जूस का यूज़ करेंगे तो हमें इसे डायरेक्टली मिल्क में नहीं डालना है। हम पहले एक थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लेके उसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून विनेगर या लेमन, और फिर हम उसको दूध में डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है दूध में ये। अब मैं आपसे दूसरा टिप शेयर करता हूँ। तो टिप नंबर 2 ये है कि जब हम विनेगर डाल के दूध को फाड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें दूध को बहुत ही आराम से हमें हिलाना है, और हम जल्दबाजी करेंगे तो दूध बहुत जल्दी ही फट जाएगा और जो छेना का जो लम्स है वो छोटा छोटा बनेगा और पनीर परफेक्ट शेप में नहीं बनेगा। तो हम जब तक दूध फटता नहीं है हम धीरे धीरे सोल्यूशन विनेगर का ऐड करते रहेंगे। टिप नंबर 3 ये है कि दोस्तों कि जितना बड़ा होगा हमारा छेना का केक, उतना ही आपका जो पनीर है वो सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेज में दूध पूरा फट गया है और छेना और पानी अलग अलग हो गया है। अब हमें पानी को छेना से अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेना है। अब हम एक कोलांडर लेंगे, उसके ऊपर हम एक चीज क्लॉथ रख देंगे, फिर हम छेना और जो पानी बच गया है हम वो डाल देंगे उसके ऊपर। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 4th टिप। तो 4th टिप यह है कि हमें पनीर को अच्छी तरह ठंडे पानी में धो लेना है ताकि इसमें से विनेगर का जो टेस्ट है और स्मेल है वो पूरी तरह निकल जाए। हमें अच्छा से दबा लेना है ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह निकल जाए। पानी निकालने के बाद हम इसे एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखेंगे। मैं किचन काउंटर टॉप के ऊपर इसे रख रहा हूँ। अब हमें इसके ऊपर एक भारी वजन रखना है, तो मैं यहाँ एक भारी सा चकला यूज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर एक पानी से भरा हुआ बर्तन भी रख रहा हूँ ताकि हमें अच्छा सा फ्लैट पनीर मिल जाए। अब इसे 3 से 4 घंटे तक रेस्ट करना है। 4 घंटे हो गए हैं, चलिए देखते हैं, हम कपड़े को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पनीर कैसा बना है। तो दोस्तों, हमारा पनीर बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा शेप में आ गया है, बहुत ही अच्छा राउंड शेप आ गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट भी है। चलिए हम इसे मेजर कर देखते हैं कि हमें कितना पनीर मिला। तो मैं यहाँ पर 3 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था, तो आप देख सकते हैं कि 3 लीटर फुल क्रीम मिक्स से हमें तकरीबन 1/2 kg पनीर मिल गया है। अगर इसे आप बाज़ार से खरीदे हुए पनीर से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत चीप भी है और बहुत फ्रेश भी है। तो दोस्तों, अगली बार आप पनीर खुद बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।